नमस्कार, मेरा नाम साहिल सिद्दीकी है। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के काकादेव स्थित शिक्षण संस्थान का जीव विज्ञान का अध्यापक हूँ। मेरा निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से कि यहाँ पर काकादेव में बहुत सारा बच्चा गोरखपुर का, बस्ती का, गोंडा का, आजमगढ़ का, अंबेडकर नगर का, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, ऐसी बहुत सारी जगहों का बच्चा, उत्तर प्रदेश के ही अलग अलग विभिन्न जिलों का बच्चा यहाँ पर तैयारी करने आता है। और वो बेचारा यहाँ काकादेव में वो फंस गया है, उसे जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसकी वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। बात बिल्कुल ये सत्य है और आपका ये कदम बेहद सराहनीय है कि आप जो है खाने के पैकेट्स बंटवा रहे हैं, आप लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, मुहैया करा रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो बच्चा है, अधिकांश बच्चा या तो निम्न वर्गीय है या तो मध्यम वर्गीय है, और बहुत सारा बच्चा ऐसा है जिसके पास एक अच्छा मोबाइल फ़ोन नहीं है या फेसबुक व्हाट्सएप से वो कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से उस तक ये सारी सूचनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। और यहाँ पे जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो अभी मानसिक रूप से पूर्णता विकसित नहीं है, वो इस तरीके का लॉकडाउन अपने घर से अलग होकर वो शायद झेल नहीं पाएगा और कुछ ही दिनों में वो मानसिक बीमार हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन की अवधि अभी आगे बढ़ भी सकती है। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप किसी भी तरीके से, चाहे किसी बस को सैनिटाइज कराकर, इनका मेडिकल चेकअप कराकर, मास्क, एप्रन और ग्लव्स पहनवाकर इनको इनके घरों तक अगर आप छुड़वा दें, तो ये अपनी फैमिली के बीच में जब आ जाएंगे, तो फैमिली के बीच में आएंगे तो ये इस लॉकडाउन को झेल रहेंगे। वरना बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए जो ये बता रहे हैं कि वो अपने हॉस्टल में अकेले रह रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर एक व्यक्ति एक कमरे में अकेले रह रहा है, एक हॉस्टल में अकेले रह रहा है, तो आप उसकी मानसिक व्यथा और मानसिक स्थिति आप मुझसे बेहतर जान सकते हैं। मैं दो दिन से यहाँ पर बच्चों को, मैं ही नहीं, हम सब काकादेव के बच्चों को हम सब ज़्यादा से ज़्यादा राशन मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। और आपकी, आपका ये कदम भी सराहनीय है कि कोई ब्लैक में बेच रहा है या महंगे में बेच रहा है तो आप इस नंबर पर सूचित कर सकते हैं, लेकिन ये जानकारी सबके पास नहीं है और दुकानदार लड़ जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो चीज़ 100 रुपये की है वो यहाँ का बच्चा 200 रुपये में खरीद रहा है। मास्क, सैनिटाइजर, सारी चीज़ें उसको महंगे दामों पर मिल रही है। कुछ विक्रेता इस तरीके की भी बात करते हैं कि लेना हो लो वरना मत लो, तो जिसकी वजह से यहाँ का बच्चा पीड़ित है। कई सारे ATM नहीं चल रहे हैं, कई सारे बच्चों के साथ ऐसा है कि उनका पैसा ATM में आता ही नहीं है, उनके असल में माता पिता यहाँ आकर पैसा देकर जाते हैं। तो इतनी सारी समस्याओं से बच्चा पीड़ित है, और सिर्फ बालक ही नहीं, बालक के साथ बालिकाएं भी। और मैंने इसीलिए सभी बच्चों की लिस्ट तैयार कर ली है जिसमें उनका नाम, उनके पिताजी का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, ऐसे सभी बच्चों की मैंने लिस्ट तैयार कर ली है जो इस समय काकादेव में फंसे हुए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहूँगा कि यहाँ पर खाने की भी बड़ी समस्या है। तो ये इतने सारे मैसेज बच्चों के, मैं कल रात से इन्हें रिप्लाई कर रहा हूँ, इनसे बातें कर रहा हूँ, इनकी समस्याएँ सुन रहा हूँ कि इन्हें खाने की समस्या, कई हॉस्टल संचालक इन्हें हॉस्टल से भी निकाल रहे हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर कई इन्हें हॉस्टल से भी निकाल रहे हैं, टिफिन सर्विस यहाँ की बंद हो चुकी है, बच्चा बेहद मानसिक रूप से पीड़ित है और बिल्कुल अकेला पड़ गया है। तो हम सभी काकादेव के टीचर्स, जितने भी अध्यापक हैं, हम सभी की तरफ से ये अनुरोध है आपसे कि कृपया करके इस समस्या को किसी भी तरीके से सुलझाने का प्रयत्न करें। आज मैंने काफ़ी कोशिश करी आला अधिकारियों से मिलने की, और एक ही जवाब था कि जो कर सकते हैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी या मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी। और ये सारी लिस्ट मैं आपके ट्विटर अकाउंट पर, PMO ऑफिस के अकाउंट पर, UP पुलिस के अकाउंट पर, और इसके साथ साथ योगी जी आपके भी अकाउंट पर मैं इसे ट्वीट कर दूंगा। मेरा नंबर है 9721122211, ये मेरा नंबर है। अगर लिस्ट आप किसी भी तरीके से नहीं देख पाते हैं तो आप मेल आईडी से मैं मेल कर दूंगा,
बस किसी भी तरीके से इन बच्चों का निपटारा करिए, ये हम सभी अध्यापकों की तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन है और उम्मीद करते हैं कि ये मैसेज जब तक आप तक पहुंचेगा आप इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। और इसके साथ साथ आपका बहुत बहुत आभारी होंगे हम सभी शिक्षणगण जो यहाँ पर काकादेव में बच्चों को अध्यापक की तरह हम उन्हें उनकी परवरिश कर रहे हैं, और जो भी समर्थन बन पड़ेगा, जितना भी समर्थन बन पड़ेगा, हम सभी काकादेव के अध्यापक मिलकर करेंगे, आपके साथ आपका सहयोग करेंगे। भारतीय नागरिक होने के नाते आपका बेहद आभार रहेगा, बेहद धन्यवाद।